आज हम बात करेंगे गूगल सर्च बार की, जिसमें आप जो भी कुछ सर्च करते हैं तो उसकी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है, और अगर ये हिस्ट्री बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। अगर आप इसको रिमूव वन बाय वन करना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना होगा किसी एक पर, इसके बाद में आपके सामने आता है डिलीट, तो आपने डिलीट कर दिया यानी कि यहाँ से रिमूव हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी हिस्ट्री रिमूव हो जाए तो आपने क्लिक करना होगा जी पे, इसके बाद में क्लिक करना होगा आपने अपने प्रोफाइल आइकॉन पर, और यहाँ से क्लिक करना होगा सर्च हिस्ट्री। यहाँ जो देख रहे हैं ये डिलीट ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आता है डिलीट टुडे, डिलीट कस्टम रेंज, डिलीट ऑल टाइम, और आता है ऑटो डिलीट यानी कि वो ऑफ है अभी। तो अगर आपने जो आज सर्च किया है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टुडे कर सकते हैं, मतलब एक दिन में आपने जो भी कुछ सर्च किया होगा वो ज्यादा नहीं होगा, वो तो आप वन बाय वन भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ डिलीट करना है तो डिलीट ऑल टाइम यूज करिएगा, और अगर आपने कस्टम रेंज के अंदर का डेटा डिलीट करना है तो कस्टम रेंज वाला यूज करेंगे ऑप्शन। अगर आपने कोई कस्टम रेंज के अंदर डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कस्टम रेंज यूज कीजिए। तो अभी मुझे दिखाना है कि डिलीट ऑल टाइम कैसे यूज करते हैं, तो मैंने यहां क्लिक किया, इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं जाके चेक करूंगा, आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहां से देख लिया कि सब ये डिलीट हो चुका है। ठीक है।